हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा अपने एक दिवसीय दौरे पर बाड़मेर पहुंचे और यहां पर कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने बाड़मेर सीमाओं के अंदर उसका भव्य स्वागत किया। गोविंद सिंह डोटासरा आज कांग्रेस के प्रशिक्षण शिविर में पहुंचे। इस दौरान मीडिया से बातचीत करते हुए डोटासरा ने रूस यूक्रेन युद्ध पर बयान देते हुए कहा कि इसमें पार्टी पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए। यूक्रेन में जो भारतीय फंसे हुए हैं उसको भारत के प्रधानमंत्री को इस मामले में संवेदनशीलता दिखाते हुए जल्द से जल्द उन्हें निकालने की योजना बनाकर उन्हें तत्काल प्रभाव से भारत में लाया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि यूक्रेन से भारतीयों को लाने के लिए किसी तरीके की राजनीति नहीं होगी और भारत के प्रधानमंत्री जो भी निर्णय करेंगे हम उनके साथ में हैं। इसके साथ ही डोटासरा ने प्रधानमंत्री पर तंज कसते हुए कहा कि वो जो कहते हैं वो करते तो नहीं है। वैसा ही कुछ वैक्सीन के दौरान भी उन्होंने पहले कहा कि फ्री में देंगे, फिर मुकर गए और बाद में फिर फ्री में वैक्सीन दे दी, लेकिन देश के हजारों परिवार अपने बच्चों के भविष्य को लेकर बहुत ज्यादा चिंतित हैं। उन्हें तत्काल प्रभाव से भारत लाने की कोशिश करनी चाहिए। सिर्फ पुतिन से बात करने से कुछ भी हासिल होना नहीं है। जागरूक टीवी के संवाददाता से बात करते हुए गोविंद सिंह डोटासरा प्रदेश अध्यक्ष, उन्होंने ये कहा। ये वास्तव में हमारे सबके लिए बहुत ही चिंता का विषय बना हुआ है कि यूक्रेन में हमारे 20,000 से 30,000 तक के बच्चे हैं। 20,000 से 30,000 बच्चों के भविष्य के साथ में देश के प्रधानमंत्री को तत्काल कोई निर्णय लेना चाहिए था, अब भी ले लेना चाहिए। केवल पुतिन से बात करने से वो बच्चे वापस नहीं आ जाएंगे। तो मैं समझता हूँ कि खर्चे की बात तो आ रही है कि साहब खर्चा सरकार, केंद्र की सरकार देगी, लेकिन ये तो पहले वैक्सीन में भी कहा था और फिर मुकर गए थे और फिर वापस दे दी। तो अब इनकी कथनी के ऊपर मुझे तो कोई ज़्यादा भरोसा नहीं है, लेकिन हम सब चिंतित हैं। इस मौके पर यूक्रेन से उन बच्चों को लाने के लिए हम देश के प्रधानमंत्री के, हम सब लोग पार्टी पॉलिटिक्स को छोड़ करके हम साथ हैं कि हमारे बच्चों को कैसे भी उपलब्ध। जागरूक टीवी की बाड़मेर से ठाकुर राम मेघवाल की रिपोर्ट।